इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज शो टोक्यो ओलंपिक में पूरे देश की नजर बेटियों पर टिकी है और एक तरफ जहां महिला हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला है तो दूसरी तरफ बॉक्सिंग में लवलीना भी सेमीफाइनल खेलने उतर रही हैं रिंग में। लेकिन इन सब के बीच आज सुबह सुबह टोक्यो से एक जबरदस्त खबर आई, गुड न्यूज आया जिसने पूरे देशवासियों के चेहरे पर खुशी ला दी। आज सुबह सुबह गुड न्यूज क्या है आपको बताते हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सीधे फाइनल में क्वालिफाई किया है। 86.65 मीटर तक उन्होंने जैवलिन थ्रो किया यानी भाला फेंक कर सीधे फाइनल में एंट्री मारी है। अब 7 अगस्त को फाइनल होगा तो नीरज चोपड़ा का लक्ष्य गोल्ड मेडल होगा। वहीं कुश्ती में रवि दहिया ने भी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय पहलवान रवि कुमार ने पुरुषों के फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग कैटेगरी में प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के ऑस्कर को हराया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। आज नजरें तो रहेंगी हमारी महिला हॉकी टीम पर और साथ ही साथ लवलीना के ऊपर रहेगी जो रिंग में उतरेंगी, लेकिन जीत जो मिल गई है सीधा फाइनल में एंट्री मारी है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने और साथ ही कुश्ती में पहलवान रवि दहिया ने भी अगले राउंड में जगह बना ली है। अब से थोड़ी देर में पहले कुश्ती में भारत को गुड न्यूज मिला, पहलवान रवि दहिया ने प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के ऑस्कर टिगरोस को हराया और यह मुकाबला 57 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल कुश्ती का था। अब रवि दहिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं जहां से जीत मिलने के बाद उनका एक मेडल पक्का हो सकता है और चौथे रैंकिंग वाले रवि दहिया ने आज के मुकाबले की शुरुआत जोरदार तरीके से की। वो लगातार अपने विरोधियों के दाहिने पैर पर वार करते रहे और मैच में दहिया किस कदर हावी थे उसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि मैच को 1:10 पहले ही रोक दिया गया क्योंकि दहिया ने 13-2 की अजय बढ़त बना ली थी और दहिया का क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के पहलवान से अब मुकाबला होगा। इससे पहले आज सुबह गुड न्यूज की शुरुआत एथलेटिक्स के मैदान से आई। जैवलिन थ्रो के मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कमाल किया और नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 86.65 मीटर दूर भाला फेंक कर सीधे उन्होंने फाइनल में एंट्री मारी। बल्कि जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में जगह पक्की करने के बाद अब उम्मीद हमारी बढ़ गई है नीरज चोपड़ा से क्योंकि ग्रुप ए के खेल में सबसे टॉप पर हो रहे हैं। उन्होंने पहली कोशिश में इतनी दूर भाला फेंका कि जिसके करीब कोई दूसरा खिलाड़ी पहुंच ही नहीं पाया और पहले नंबर पर रहते हुए फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने और दूसरे नंबर पर आए जर्मनी के खिलाड़ी से नीरज की जो डिस्टेंस है उसमें 1 मीटर की पूरी कमी रही है तो उन्होंने 86.65 किया है तो उनका करीब 65 मीटर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 88.07 ये उनका रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा का, इतनी दूर तक वो भाला फेंक चुके हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि शनिवार को जब मैदान में उतरेंगे तो अपना ही रिकॉर्ड हो सकता है तोड़ दें। बात करेंगे समीप राजगुरु से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीप, गुड न्यूज आए हैं और उसमें हम शुरुआत तो करते हैं कि जिस तरह से जैवलिन थ्रो में सीधे फाइनल में एंट्री मारी है उम्मीद तो हम ये कर पा सकते हैं कि अब नीरज चोपड़ा एक मेडल तो पक्का लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और प्री ओलंपिक्स फेवरेट में से एक है नीरज चोपड़ा और इनसे उम्मीद है कि वो मेडल लेकर आएंगे जैसे कि मनु भाकर, सौरभ चौधरी थे या मीराबाई चानू थी, उस तरीके के एक ऐसा मेडल है जो 100% आना है। ये नीरज चोपड़ा पर पूरा जो एक वो था भरोसा था और उम्मीद थी नीरज चोपड़ा पे पूरी थी और उस सबसे अच्छी बात यह है कि जो 86.65 मीटर उन्होंने जो भाला फेंका है इससे आप खुद अभी जैसे बता रहे थे 88+ मीटर वो भाला फेंक चुके हैं तो ऐसे में जैवलिन में वो अपने जो ओलंपिक का प्रेशर होता है सबसे अच्छी बात यह थी कि वो नहीं दिखा। 5:30 उठकर मैंने उनका वो जो थ्रो देखा है उनका इवेंट देखा है, ग्रुप ए में ही नहीं उन्होंने पूरा ओवरऑल टॉप किया है लेकिन इस इन 12 में 4 ऐसे हैं जो 90+ फेंकते हैं तो उनको 88 जो उनका बेस्ट है उससे 2 मीटर ज्यादा फेंकने वाले भी यहाँ पर जैवलिन थ्रो आ रहे हैं। जब 7 तारीख को वो उतरेंगे, ओलंपिक्स में ऐसा होता है कि हमेशा प्रेशर होता है। आप अगर देखेंगे ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 98 मीटर का है, लगभग 100 मीटर का है यान ज़ल्ज़ेलिनी का जो अमेरिका से चेक रिपब्लिक के हैं, जी हाँ चेक रिपब्लिक के हैं, और उसके बाद का जो ओलंपिक रिकॉर्ड है वो है 90 मीटर का, 8 मीटर का फर्क है वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड में। 1996 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 1998 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक रिकॉर्ड है 2 साल के अंदर, तो ओलंपिक का प्रेशर आप देखिए कि 8 मीटर कम हो जाता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, तो ये ओलंपिक प्रेशर में अगर 86.65 मार रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन थ्रो उन्होंने किया है। दूसरों पर आप देखिए प्रेशर भी है, दूसरे इतना फेंकते भी नहीं, वो भी इंप्रूव करेंगे। जैसा हमने आप प्रेशर की बात करें तो मैं एक सवाल बस आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं नीरज को कि नहीं, नीरज का जो ट्रैक रिकॉर्ड जितना मैंने देखा है कि शायद
उन्होंने ना सिर्फ 2016 में शायद उन्होंने पहली बार अंडर 20 जो यूथ गेम्स था उसमें उन्होंने मेडल जीता था, तो उनको इंटरनेशनल का एक अच्छा खासा उनके ऊपर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा शायद उन्होंने कॉमनवेल्थ भी एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है, तो उनको इस तरह के मतलब जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है उससे वो जानते हैं किस तरह से हैंडल करना है। अमित, इंटरनेशनल प्रेशर और ओलंपिक का प्रेशर बिल्कुल अलग रख दीजिए। अच्छा, सब सारे इवेंट्स एक तरफ रख दीजिए और ओलंपिक को एक तरफ रख दीजिए, इतना बड़ा है ओलंपिक्स। तो आप अगर हर इवेंट में देखेंगे ना, लगभग हर इवेंट में ओलंपिक्स में आके बड़े बड़े एथलीट्स का पेट खराब हो जाता है। उनमें से पेट खराब होने वालों में से एक माइकल जॉनसन भी है, जो 204 मीटर में जिनका एक जमाने में दबदबा था, अमेरिका के धावक हुआ करते थे, उनके पहले ओलंपिक्स में पेट खराब हो गया था जबकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो ये ओलंपिक्स का जो प्रेशर होता है ना, ये अलग ही लेवल का होता है। और इस लेवल प्रेशर में हर एक का मतलब ए टू जेड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस नीचे आता है। तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद मुझे ये इसलिए है क्योंकि 86.65 अगर वो फेंक सकते हैं तो 88 तक जा सकते हैं। कमलप्रीत की तरह नहीं होगा उनका। और साथ ही समय हम ये मान लें कि वो तो वैसे भी आर्मी से हैं, तो आर्मी में उनको इतना से ट्रेंड किया ही होगा कि कोई भी प्रेशर है वो ले लेंगे। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 88 से ज्यादा ही वो फेंकेंगे इस बार, भला जब फाइनल में उतरेंगे। तो अब बात करते हैं टोक्यो में आज दूसरे अहम मुकाबले का। आज का दिन टोक्यो ओलंपिक में बेहद खास रहने वाला है। भारतीय महिला हॉकी टीम आज गोल्ड जीतने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि सेमीफाइनल में जब उतरेंगे, अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो उसके बाद मेडल तो पक्का होना ही है। तो महिला मुक्केबाजी में एक मेडल पक्का कर चुकी बॉक्सर लवलीना भी गोल्ड वाला पंच लगाने के मकसद से रिंग में उतरेंगी। और इनके अलावा आज कुश्ती में भारतीय पुरुष और महिला पहलवान से भी हम मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय महिला हॉकी टीम से है, जिसका सेमीफाइनल में मुकाबला 4 बार की ओलंपिक मेडल विजेता टीम अर्जेंटीना से है। और भारतीय समय के मुताबिक ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे होगा। ये मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर काफी उत्साहित है और वो सेमीफाइनल जीत कर मेडल पक्का करने की कोशिश करने वाली है। और बॉक्सिंग के वेल्टर वेट कैटेगरी में लवलीना के सामने आज ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का एक गोल्डन मौका है। सेमीफाइनल में लवलीना का मुकाबला टर्की के सुरमेनेली से, और टर्की की यह बॉक्सर 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की विनर है, यानी कि 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना का यह मैच सुबह 11 बजे होगा। दोनों बॉक्सर के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला रहने की उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त एक और अच्छी खबर आपको दे दें, गुड न्यूज है, कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी जीत लिया है अपना मुकाबला। तो रवि धैया के बाद ये दूसरी जीत है हमारी कुश्ती में। तो पहले रवि धैया, अब कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी अपनी जगह बना ली है अगले राउंड में। तो लगातार ये गुड न्यूज आ रहे हैं रेसलिंग से। समीप, एक और गुड न्यूज, अब दीपक पुनिया ने भी रेसलिंग में दूसरे राउंड में चले गए हैं। गुड न्यूज जरूर है, गुड न्यूज की आप जरूर खुश होने वाली बात है कि पहला राउंड इतने आसानी से जीते हैं। अगर आप रवि धैया की बात करेंगे तो पहला राउंड बहुत ही कमजोर रेसलर से था, और कमजोर रेसलर के खिलाफ भी जीतना होता है। मतलब जैसा कि मैं ओलंपिक्स के बारे में लगातार बता रहा हूँ, आपके साथ भी मेरी चर्चा हो रही कि प्रेशर गेम होता है यहाँ पर। लेकिन ये अगर पुनिया की बात करें, दीपक पुनिया की बात करें या रवि धैया की बात करें, अब चैलेंज जो है अब शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल में ये लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट या ओलंपिक मेडलिस्ट, एशिया के टॉप जो रेसलर्स हैं, यूरोप के टॉप रेसलर्स हैं, उनसे खेलने वाले हैं। तो ये जो असली चैलेंज है ना, ये क्वार्टर फाइनल से शुरू होने वाला है। तो अब देखते हैं कि यहां से इनका सफर कैसे आगे बढ़ता है। असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। अच्छा है कि पहला राउंड जो है आसानी से जीता है, इससे उन्होंने अपने आप को थकान से भी बचाया, इंजरी से बचाया सबसे बड़ी बात। तो उम्मीद यही है कि अगले राउंड का जो टफ बाउट आएगा उसमें इनका ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा समीप, एक हम देखते हैं कि लाइट वेट कैटेगरी होता है रेसलिंग में, तो उसमें कई बार इंडिया को हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो हेवी वेट जैसे 86 या 86+ अगर होगा, तो इसमें हमने देखा है कि भारत के लिए बहुत टफ हो जाता है जो विदेशी पहलवान उनके साथ भिड़ना। तो इसमें आप दीपक पुनिया को किस तरह से देखते हैं? अभी आज आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हेवी वेट्स में आपने ठीक कहा कि कभी भी एक तरह से कल्चर नहीं रहा है हिंदुस्तान का, एक ट्रेडिशन, कल्चर नहीं ट्रेडिशन नहीं रहा है कि हेवी वेट कैटेगरीज में, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे वो रेसलिंग हो। क्योंकि अगर आप यूरोपियंस और अमेरिकन और खासकर ईस्ट यूरोपियंस, जो रशियन है, बुल्गेरियन है, हंगेरियन है, पोलिश रेसलर्स है, और खासकर रशिया से तो अलेक्जेंडर कार्लिन जो थे वो लेजेंड है, वो 2 ओलंपिक्स और 1 सिल्वर, 2 में 3 लगातार ओलंपिक जीते थे।
तो ये वजह इसलिए कि ट्रेडिशन की बात है ये अमित, और कोई बात नहीं है। एक तो हमारे इतने लंबे चौड़े हमारी कद काठी इंडियंस की होती नहीं है, और अगर होती है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से टेक्निकली, अगर आप देखेंगे ना इसमें वो टेक्निकल बात आपने पूछ ली, थोड़े से शायद स्लो होते हैं उनके मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम 57 से लेके 50 से लेके हम लोग करीब 65-70 केजी तक के कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये नेचुरल वेट है हमारे लिए, नेचुरल स्ट्रेंथ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि न्यू इंडिया की तरह जो हमारे नए रेसलर हैं वो भी इस जो बैरियर को तोड़कर, बोलते हैं ना कि एक को जो एक लिमिट है उसको तोड़ के, अब हो सकता है कि 86 में भी कुछ हम कमाल कर दें, और उम्मीद तो हम यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, सारी जानकारी आपने हमें दी। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में मासूम बच्ची के रेप मर्डर पर किस तरह से हो रही है राजनीति। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।